दक्षिण अफ्रीका के पास और पूर्व में मडागास्कर के पास तथा इंडियन ओशन के बीच में स्थित मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है। प्रकृति के सुंदर नजारों, सुकून देने वाली शांति और यहाँ के मॉरिशियस लोगों की वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मॉरिशियस टूरिज्म घूमे जाने वाले कंट्रीज में से एक है। इन्हीं वजह से मॉरिशियस द्वीप टूरिस्टों की सबसे पसंदीदा जगह है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और अधिक रोचक तथ्य और मजेदार जानकारियाँ। मॉरिशस पर सबसे पहले पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने सन 1500 में मॉरिशस आइलैंड की खोज की थी। उसके बाद फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों ने और अंत में ब्रिटेन ने। मॉरिशस को साल 1968 में इंडिपेंडेंस डे ऑफ मॉरिशस आज़ादी मिली थी। बाद में साल 1992 में ये रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस बना। मॉरिशस का नेशनल एनिमल डोडो, जिसे वहाँ के प्रारंभिक निवासियों ने बड़े पैमाने पर उसके गोश्त के लिए शिकार किया था, वही मॉरिशस का नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल है। मॉरिशस के नेशनल फ्लैग पर चार रंग है, जिसमें लाल रंग सबर्ब फ्लेमबॉयंट ट्री को दर्शाता है, नीला रंग इंडियन ओशन को, पीला रंग आज़ादी की सुबह को और हरा रंग इस आइलैंड की वनस्पतियों को दर्शाता है। मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकन कंट्री है जहां हिंदू बहुसंख्य है। मॉरिशस का नेशनल एंथम द मदरलैंड है, जिसे जीन जॉर्ज प्रॉस्पर ने साल 1968 में लिखा था। यह नेशनल एंथम फिलिप जेंटिल द्वारा कंपोज किया गया था, जो कि मॉरिशस पुलिस बैंड का हिस्सा थे। मॉरिशियस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वही फ्रेंच लैंग्वेज को सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। मॉरिशियस का नेशनल फ्लावर है ट्रोनचेटिया बाउंटोनियाना, जो जून और अक्टूबर के महीनों में फूलता है। मॉरिशियस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, ला फ्रेंकोफोनी, द अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ, द साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, द इंडियन ओशन कमीशन यानी भारतीय महासागर आयोग कोमेसा और द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य यानी मेंबर है। विश्व यात्रा पुरस्कार साल 2012 में मॉरिशस को विश्व प्रमुख द्वीप गंतव्य पुरस्कार और दुनिया का सबसे अच्छा समुद्र तट गंतव्य यानी वर्ल्ड बेस्ट बीच ट्रैवल पुरस्कार से नवाजा गया था। सेवन कलर अर्थ मॉरिशस यानी सात रंगीय पृथ्वी मॉरिशस के फेमस अट्रैक्शन में से एक है। इसमें सात अलग अलग रंग के रेड के टीले है, जिसमें मुख्यतः लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला, बैंगनी और पीला रंग है। मॉरिशस में गन्ना मुख्य कृषि उत्पाद है, वही अनानास के पेड़ों को भी पूरे आइलैंड पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही कुछ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए टॉप 10 लिस्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।